विश्वस्तरीय राजमार्गों का निर्माण हो सके। प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप इसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी का और लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास को बहुत सूक्ष्मता के साथ आगे बढ़ाने के लिए, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का आज यहां पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी पिछले दिनों इसी स्थान पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने भारत की रक्षा सेना को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के, नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के प्रोडक्शन के कार्यक्रम को यहां पर शिलान्यास किया था और आज यहां पर लखनऊ महानगर के साथ साथ लखनऊ के एक रिंग रोड के रूप में, जिसे किसान पथ कह सकते हैं, किसान पथ और लखनऊ कानपुर की दूरी को कम करने के लिए एक नए एक्सप्रेस हाईवे के कार्य का शुभारंभ करने के लिए आज इस समारोह यहां पर आयोजित है। प्रदेश के अनेक अन्य प्रोजेक्ट आज लोकार्पित हो रहे हैं, बलरामपुर जनपद में बलरामपुर से तुलसीपुर के लिए, तुलसीपुर से बढ़नी के लिए बहराइच से जुड़ी भी परियोजनाएं, सीतापुर से जुड़ी भी परियोजनाएं और अन्य जनपदों से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लोगों के आवागमन को आसान बनाया जा सके, विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया जा सके, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके और उत्तर प्रदेश को देश के अंदर विकास के पैमाने पर नंबर एक का प्रदेश बनाने की प्रक्रिया के लिए आज जो कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, मैं इसके लिए आप सभी प्रदेशवासियों को, लखनऊ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और स्वाभाविक रूप से इसमें हमें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने जिस प्रकार से अपना सानिध्य दिया, मार्गदर्शन दिया और प्रेरणा दी, सहयोग दिया, एक सकारात्मक सहयोग दिया, आज उसके परिणाम जमीनी धरातल पर हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था ने इन सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में मदद की और आज यही कारण है कि जो प्रदेश 2017 के पहले दंगा ग्रस्त प्रदेश माना जाता था, अपराध ग्रस्त प्रदेश माना जाता था, जिस प्रदेश में विकास की कोई सोच नहीं, इस प्रकार की एक मानसिकता न केवल प्रदेश के अंदर बन गई थी बल्कि इसे यहां के लोगों ने अपनी नियति मान करके पलायन करना प्रारंभ कर दिया था और देश और दुनिया की धारणा बन गई थी कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हो सकता है। वही प्रदेश आज देश और दुनिया के अंदर न केवल कानून व्यवस्था की एक अच्छी नजीर बना हुआ है बल्कि निवेश के बेहतरीन नए आयाम स्थापित करते हुए देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य भी बन गया है। आज इस अवसर पर, आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं विकास की इन तमाम परियोजनाओं को लेकर के, हम सब इस बात को देख सकते हैं ये प्रदेश सरकार की उपलब्धि है और भारत सरकार की उपलब्धि है। यह जेसीबी यहां पर सड़क निर्माण के कार्य में भी उपयोग हो रही है और माफियाओं ने अनैतिक तरीके से जिस संपत्ति को बनाया था, उस संपत्ति को निकालने के लिए भी उसका बेहतरीन उपयोग प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का
लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले एक महीने से आप देख रहे होंगे, हर दूसरे दिन माननीय गडकरी जी का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपद में लग रहा है, और जिस भी जनपद में वे जाते हैं वहां पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हैं, और साथ साथ अगर कहीं कोई बात रह गई है तो उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का आदेश वहां पर जारी करते हैं। बड़े पैमाने पर राजमार्ग बन रहे हैं। जिन जनपदों में कभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्य नहीं हो पाते थे, आज वहां पे 4 लेन और 6 लेन के राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। बलरामपुर जनपद याद करिए, मुझे याद है 2017 के पहले गोंडा से बलरामपुर और तुलसीपुर पहुंचने में मुझे 4 घंटे लगते थे, और आज मात्र 45 मिनट में हम लोग गोंडा से बलरामपुर होते हुए तुलसीपुर तक जा सकते हैं, मात्र 45 मिनट में। यानी दूरी को कैसे कम किया जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री जी मेरठ आए थे, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम मेरठ के लिए दिया, और मेरठ के कार्यक्रम में दिल्ली से मेरठ सड़क मार्ग से आए, मात्र 45 मिनट में उस दूरी को दिल्ली से मेरठ तक तय किया गया था, जिसमें आज से 4 साल 5 साल पहले जिस कार्य में, जिस सड़क मार्ग पर चलने में कम से कम 4 घंटे लगते थे, प्रधानमंत्री जी ने सड़क मार्ग से 45 मिनट तक उस दूरी को तय किया। ये उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर है, जो न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है, बल्कि इसके माध्यम से विकास की एक नई कहानी कहने के लिए उत्तर प्रदेश और तावला दिखाई देता है, और इस विकास से जुड़ा हुआ है हमारे युवाओं का भविष्य, उनका रोजगार, उनकी नौकरी और उनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से आगे बढ़ने की जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी लखनऊ में पधारे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए का ये सौगात उपलब्ध कराने के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, सड़कें और राजमार्ग हमारे विकास और समृद्धि का मार्ग तो प्रशस्त करती ही हैं, साथ ही हमारे देश की आर्थिक शक्ति को भी बल प्रदान करते हैं।